सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर पर। अब दोस्तों, टाइगर 3 मूवी के डे 9 की यानी कि सेकेंड मंडे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की प्रेडिक्शन की अर्ली एस्टिमेट की रिपोर्ट निकल कर आ चुकी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि डे 9 की इसकी एडवांस बुकिंग कितनी थी और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होने वाला है। सबसे पहले दोस्तों बता दें, आज यानी कि मंडे की जो ऑफिशियल एडवांस बुकिंग थी वो 1.2 करोड़ की थी, यानी कि बहुत ही ज्यादा कम इसकी एडवांस बुकिंग हुई है। इस हिसाब से जो मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो इंडिया से नेट कलेक्शन आज यानी कि 9वें दिन मात्र 8 करोड़ का आ सकता है। वहीं इसका ग्रॉस कलेक्शन 12 करोड़ का होगा। ओवरसीज से ये मूवी मात्र 2 करोड़ की आज कलेक्शन करेगी और वहीं पर जो इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन होगा, इंडिया का ग्रॉस कलेक्शन यानी कि 12 करोड़ प्लस ओवरसीज कलेक्शन यानी कि 2 करोड़, टोटल दोस्तों 14 करोड़ की कलेक्शन करते हुए आज हमें मूवी देखने को मिलने वाली है। वहीं अगर हम टाइगर 3 मूवी के डे 9 तक के टोटल कलेक्शन की बात करें तो डे 9 तक इसका टोटल जो नेट कलेक्शन है वो 238 करोड़ यानी कि 238 करोड़ का हो चुका है। वहीं इसका ग्रॉस कलेक्शन 288 करोड़ का हो चुका है, ओवरसीज कलेक्शन 90 करोड़ का हो चुका है और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 382 करोड़ का हो चुका है। अभी दोस्तों डे 9 आ चुका है, डे 9 भी कंप्लीट होने वाला है और 400 करोड़ के क्लब में टाइगर 3 मूवी अभी तक एंटर नहीं हुई है। अभी इसका कलेक्शन मात्र 382 करोड़ का है और कल यानी कि 10वें दिन भी ये 400 करोड़ के क्लब में शामिल नहीं होगी, क्योंकि कल भी ऑलमोस्ट 10 से 12 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आएगी और इसको अभी 18 करोड़ चाहिए है 400 करोड़ के क्लब में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर कहा जाए तो अब टाइगर 3 मूवी जो है वो दम तोड़ चुकी है। टाइगर 3 मूवी जिसकी हमें एक्सपेक्टेशन थी कि 1000 करोड़ के क्लब में शामिल होगी, अब हमें 500 करोड़ क्लब में जाती हुई भी ये नजर नहीं आ रही है। अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि टाइगर 3 मूवी का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होगा। आप अपनी प्रेडिक्शन हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही मूवीज से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके रखिए आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर को।